अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ग्रैनीज रसोई। चलिए मैं आज आपको अपने एक छोटे से प्यारे से दोस्त से आज मिलाती हूँ, जो सुबह उठते ही मेरे साथ खेलता। ये देखिए खिड़की में से आपको नज़र आ रहा है जब से, और अब वो मुझसे खेलेगा, आप देखना। ये देखिए, मैं आपको अब करीब से बताने वाली हूँ जूम करके। ये देखिए आज का मौसम भी बहुत प्यारा नजर आ रहा। मैं आपको बाहर का भी मंजर दिखाऊंगी। ये बाहर का मंजर है सुबह सुबह का। हम लोग वॉक पे जा रहे थे तो मैं सोची चलो क्यों ना आपको भी साथ लेती चलूं। यहाँ पर बहुत ज्यादा सुकून, पुरसुकून माहौल, कोई गड़बड़ नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। अच्छी हवा चल रही। मैं आपको थोड़ा सा ये नेबरहुड दिखा दूं, थोड़ा सा। आगे तक चलेंगे हम लोग। यहाँ के लोग घर के बाहर, जो जिसके घरों में बच्चे हैं वो लोग थोड़ा सा घर के बाहर भी डेकोरेट करते। देखिए ये आगे के घर में नजर आ रहा, घर के सामने ये लोग जो अच्छे से कुछ रखे हुए हैं चीज। चलिए मैं आपको करीब से दिखाने वाली हूं। ये देखिए, गिलहरी। देखिए ये यहाँ पर बहुत ज्यादा गिलहरियां रहते। माशाल्लाह। और बहुत सारे घरों के सामने ये आरवीज भी रहते हैं। ये देखिए फूल वगैरह भी बाज लोग लगा लेते। ये जो आरवी है इसके अंदर सारा खाने पीने का सामान, और मतलब वो लोग जहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं तो सारा सामान रहता। ये देखिए वापसी में ही, घर वापस आ रही हूँ मैं वॉक करके, तो मौसम कितना बदल गया एकदम से, जैसा क्या बोलना चाहिए, शबनम टाइप हो गया। टेक्सास के मौसम का यहाँ पर कोई मतलब भरोसा ही नहीं रहता। कभी बारिश, कभी सर्दी, और कभी एकदम से धूप। थोड़ी ही देर में देखिए मौसम चेंज हो गया। आज मेरी नवासी मग केक बनाने वाली है माइक्रोवेव में। बहुत आसान है, यहाँ पर ये बच्चे भी बना लेते,
तो मैं ये आपको बताने वाली हूँ, शूट कर रही हूँ। और ये इंग्रेडिएंट्स आप देखिए, अब आगे मेरी नवासी की आवाज़ है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we'll learn how to make a mug cake. These are the ingredients. We have 2 tablespoons of Nutella, 2 tablespoons of oil, 4 tablespoons of sugar, 1 tablespoon of all-purpose flour, and 1 egg. We'll put all these ingredients in this bowl. Okay, so now I'll put all of them in this bowl and mix them together. First, I'll put the egg. And then I'll put the flour. And then the sugar. Now I'll add the oil. And then in the end, I'll add Nutella. Okay, now I'll mix all of them together. Okay, we'll mix it very well so that there are no lumps in this. Like these tiny lumps, they won't be tasty. Okay, I mixed this for about 5 minutes, and you can see the lumps are almost gone. Now I'll transfer it in another bowl, and then I will microwave it for 1 minute and 40 seconds. Okay, I'll transfer this into this cup. Now I've transferred all the batter into this cup. I personally put Nutella in this, but if you have anything else like cocoa powder or any chocolate powder, then you can put in it. Remember, you have to put 2 tablespoons. Okay, we'll put this in the microwave for 1 minute and 40 seconds now. Okay, I'm gonna put it in this microwave for 1 minute and 40 seconds. Okay, after microwaving it, I put it in a freezer for about 5 minutes, so it cools down a bit. And then you can eat it like this, but I like it with some toppings, so I'm gonna put some whipped cream. Okay, that's gonna be it. Okay, now I'm gonna eat it. Wow, it's really good. I love it. I hope you enjoy this recipe. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इसकी रेसिपी पसंद आई होंगी मग केक की। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और देखिए, मौसम फिर बदल गया, बारिश हो रही है, माशाल्लाह बहुत सुहाना मंज़र है। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे, हज़ारों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।